हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और आज मैं इस जियो फोन की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और ये मैंने दिवाली पे ख़रीद लिया था, तो मैंने सोचा इसका एक रिव्यू बनाया जाए। तो इसको के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो मुझे इसके कुछ पॉइंट बहुत बुरे लगे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं। Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. इसे ओपन करते हैं। जो आप इसे ओपन करोगे तो आपको फ्रंट पे इसका फोन मिलेगा। तो इसका फोन है और यहाँ से खोलोगे तो इसमें एक चार्जर जो बस है, और ये इसका यूज़र गाइड, जियो फोन का ये यूज़र गाइड है। और इससे हमारा कोई काम नहीं बचा, ये डब्बा इसका भी हमारा कोई काम नहीं है, इसे साइड में कर देते हैं। तो ये मेन हमारा जियो फोन। तो इसमें आपको जियो फोन में आपको जियो टीवी, जियो की सभी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिल जाएगा। और इसमें आपको, मैं आपको इसका डिब्बे में दिखा देता हूँ बॉक्स, तो आप इसको देख लीजिए। ये इसके फीचर हैं। और आप इसको जियो के साथ भी कनेक्ट, टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है वो जियो का फ़ोन। और तो चलिए मैं आपको अब इसको चला के थोड़ा दिखाता हूँ। तो ये इसका कट का बटन है, इससे आपकी कॉल हो जाएगी, जो कि वीडियो कॉल भी हो जाती है। और इससे आपको अलर्ट्स, जो भी अगर आपकी कोई प्रूफ, जो एप्लीकेशन चल रही होगी या उसके बारे में कोई मैसेज आया होगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको उसके अलर्ट्स के मैसेज दिखाई देंगे। और ये इसके बटन है हैश, अगर आप लॉन्ग प्रेस हैश करो, स्टार करोगे तो इससे अनलॉक और लॉक हो जाता है। और ये स्लाइड, तो होम पेज के लिए आपको ओके के बटन को क्लिक करना होगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें आपको सभी चीज़ मिल जाएगी, सेटिंग्स, कॉल, कॉन्टैक्ट, ये इसमें जियो स्टोर, मैसेज, फेसबुक, कैमरा और जियो टीवी। आप इसमें चला सकते हैं जियो म्यूज़िक, जियो चैट कर सकते हो, असिस्टेंस है, जियो सिनेमा है, जियो के आपको सभी एप्लीकेशन उपलब्ध है इधर। और आप एफएम को बिना हेडफोन से जोड़े चला सकते हो। तो ये आपको कैलेंडर सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। और आपको माई जियो ऐप, आपको इसमें यूट्यूब चलाने को मिल जाएगा। और बाकी सब ऐप भी आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हो एंड्रॉयड के अलावा, तो आपको उसके लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा। और यहाँ से इसमें जाकर आपको जी स्टोर में जाना होगा। तो पहले मैं इसका, आपको नेट ऑन करने के लिए ये वाला बटन ऊपर दबाना होगा। तो आपको यहाँ से, आपको यहाँ पर सेलेक्ट, और ये ऊपर आप देखोगे यहाँ पर तो ऑन हो गया होगा। तो चलो चलते हैं। अगर यहाँ पर सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है तो आपको जियो स्टोर में जाना है, क्लिक करना है। तो सॉरी गाइस, यहाँ पर मेरे जो सिग्नल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप यहाँ से और ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको थोड़ी सेटिंग बता देता हूँ। और ओके, तो आपको इसमें एरोप्लेन मोड, मोबाइल डाटा, वाईफाई से कनेक्ट करने के, ब्लूटूथ, NFC, जियो लोकेशन, कॉल सेटिंग में आप यहाँ से जा सकते हो। अगर आपको प्राइवेसी सिक्योरिटी करनी है तो आपको यहाँ से प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ पर स्क्रीन लॉक लगा सकते हो, स्क्रीन सिक्योरिटी आप उसमें। और आपको स्टोरेज में जाना, USB स्टोरेज, मीडिया स्टोरेज, एप्लीकेशन डाटा। तो आपको मीडिया स्टोरेज दिखाता हूँ। इसमें 1 GB इंटरनल मेमोरी है और एक्सटर्नल मेमोरी आप बढ़ा सकते हैं इसमें 128 GB तक। तो ये बहुत अच्छी बात है।
और डिवाइस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको यहाँ से ओके करना होगा। तो ये अपडेट हो जाएगा, डाउनलोड्स, बैटरी परसेंटेज, रीसेट फोन। तो बाकी कुछ खास नहीं है। जो मैंने सुना है कि इसकी जो बैटरी है काफ़ी बहुत अच्छा है, सॉरी गाइस। तो और जो मेरे साथ प्रॉब्लम इसमें हो रही है वो है कि अगर मैं इसमें कोई वीडियो चलाता हूँ या रिकॉर्ड करता हूँ तो जब उसे मैं प्ले करता हूँ तो वो कुछ बहुत ही गंदी क्वालिटी है उसकी। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, तो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कितनी गंदी तरीके से ये चल रही है। तो और दूसरा इसका रॉन्ग पॉइंट मुझे लगा वो ये है कि जब भी मैं इसे चार्ज करके रख देता हूँ और अगर इसे मैं मॉर्निंग में चार्ज पूरा फुल्ली चार्ज कर दूँ, अगर मैं इसको शाम को ओपन करता हूँ तो इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो अपने आप ही बहुत कम हो जाती है, मतलब लो दिखाई देती है। तो ये भी क्या पता मेरी इस फ़ोन में कुछ ख़राबी हो। तो मैं बस और कुछ नहीं बताना चाहता। तो ठीक है गाइस, तो गाइस इस ब्लॉग में बस यही था, ये छोटा सा रिव्यू था। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो प्लीज़ इसे भी लाइक कर लो। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।